फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बी ए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट का पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। प्लस आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे आपके स्टडी के बारे में भी कुछ बातें करने वाली हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आपको ऊपर अच्छे से विजिबल होगा, नज़र आ रहा होगा कि आपको इस एग्ज़ाम को करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे, और प्लस ये 75 मार्क्स का एग्ज़ाम है। आई एम श्योर अब तक तो सारे स्टूडेंट्स को ये पता चल ही गया होगा कि CBSE सिस्टम आने के बाद SOL में आपको कंप्लीट 100 मार्क्स की थ्योरी नहीं लिखनी है। अब आपको सिर्फ 75 मार्क्स की थ्योरी लिखनी है, प्लस आपको 25 मार्क्स का प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो अभी तक भी अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे नहीं पता है कि CBSE सिस्टम क्या होता है और SOL में क्या चल रहा है, तो मैंने CBSE सिस्टम पर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी वो वीडियो। तो चलिए फटाफट देखना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्या क्या क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इजीली नज़र आ रहा होगा कि आपको इस क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 करने हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, राजनीति क्या है, राजनीति को समझने में राजनीति सिद्धांत किस प्रकार सहायक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में बेसिकली आपको राजनीति के बारे में अच्छे से बताना है कि वो क्या है, उसकी शुरुआत किस तरह से हुई, उसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, और विभिन्न विभिन्न इतिहासकारों ने, विद्वानों ने, लेखकों ने उसके ऊपर क्या विचार रखे हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको बेसिकली राजनीति को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और राजनीति सिद्धांत उससे किस तरह से जुड़ा हुआ है, लिंक हुआ हुआ है, इसके बारे में बताना है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, समानता स्वतंत्रता की पूर्व शर्त है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, रॉयल के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। एक बहुत फेमस विद्वान रहे हैं रॉयल, उनके न्याय सिद्धांत की आपको आलोचना करनी है, तो आप लोगों को उनके न्याय सिद्धांत को अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको क्रिटिसाइज करना है इस क्वेश्चन के आंसर में। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, मार्शल के नागरिकता के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। आपका फाइव क्वेश्चन है, जेंडर क्या है, निजी ही राजनीतिक है, इस कथन के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। आपका सिक्स क्वेश्चन है, लोकतंत्र की धारणा के उद्भव एवं विकास की समीक्षा कीजिए। आपका सेवन्थ क्वेश्चन है, सेंसरशिप के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क दीजिए। आपका एट्थ क्वेश्चन है, बेसिकली आपको एट्थ क्वेश्चन में 4 टॉपिक दिए हुए हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 2 पर अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। तो आपका पहला टॉपिक है, राजनीति की शक्ति की अवधारणा, प्राकृतिक अधिकार, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र और वर्ग संघर्ष। तो गाइज, ये आप लोगों का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है। गाइज, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आज के इस क्वेश्चन पेपर में आप सबके साथ जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ उन सब के आंसर आपको बहुत जल्दी इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं आप लोगों के स्टडी से रिलेटेड कुछ बातें। सो गाइज, बेसिकली इस टाइम पे आप सबको पता होगा कि आप लोगों के पास स्टडी करने के लिए काफ़ी कम टाइम है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, तो आप लोगों के पास मुश्किल से 2 महीने भी नहीं है। तो इस टाइम पे जो मुझे लगता है स्टडी करने का बेस्ट तरीका है, वो ये है कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट तो ये होगा कि आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में एग्जामिनर किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है, प्लस आपको ये पता चल जाएगा कि आप जिस भी क्वेश्चन को, जिस भी चैप्टर से रिलेटेड है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो उस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है और क्या आपको ध्यान रखना है, क्या आपको पढ़ना है। बेसिकली गाइज, ये स्ट्रैटेजी मैं खुद फॉलो करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है स्ट्रैटेजी। और अगर इसके अलावा आप लोगों के पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप स्टडी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ उस तरीके को भी शेयर कीजिएगा कमेंट के थ्रू, ताकि और स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो गाइज, बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है इस कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर अप करने के लिए। तो गाइज, अगर आप लोग जानना चाहते, अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसके थ्रू जाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको याद रखना है अपने एग्ज़ाम के टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम, क्या CBSE सिस्टम आने के बाद हम 75% ला सकते हैं SOL में? तो उसका जवाब होगा, बिल्कुल आप लोग ला सकते हैं 75%, बस उसके लिए आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा,
और आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले उठकर बुक को पढ़ें, रटें और आप चले जाएं और आपको 75% आ जाएगी। ऐसा नहीं है, आपको आज से ही हार्डवर्क करना स्टार्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। जब आप 75% ला पाएंगे अपने SOL में, तो उसके लिए आप लोग आज से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। प्लस मैं भी अपने इस चैनल पर आपको जल्दी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाली हूँ, और मैं ऑलरेडी आप लोगों को हिस्ट्री के 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो 2 वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और वो 2 वीडियो में से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस साल रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो गाइज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से जिसने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने क्वेश्चन आंसर को, सारे कंप्लीट पॉइंट आप लोगों को बताए हैं जो जो आप लोगों को याद रखने हैं। प्लस गाइज, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले अपनी राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम लिखते टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छा सा आंसर अपने एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना राइटिंग की, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे आप लोगों की क्या कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी, ये कैसा लगा ये तरीका। और अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा तरीका हो स्टडी करने का तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे अदर स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और गाइज़, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आज जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं उन सब के आंसर बहुत जल्दी आपको चैनल पर मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।